हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कपिल और स्वागत है आप सभी का फोर आपकी सक्सेस में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में अभी हम लोग रेलवे एनटीपीसी 2016 में पूछे गए सामान्य अध्ययन के 1000 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का पार्ट 5 देखने वाले हैं, जिसमें टोटल 50 क्वेश्चंस होंगे। अब तक हम लोग चार पार्ट में टोटल 200 क्वेश्चंस को देख चुके हैं। अगर अभी तक आप उन वीडियोज़ को नहीं देखे हैं तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहाँ से उन्हें देख सकते हैं। साथ ही आप इस वीडियो का फ्री पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या तो फिर आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके वहां से भी फ्री में आसानी से इसका पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने का लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ओके, तो चलिए अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और क्वेश्चन है, गुलाम वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो देखिए, गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई थी। ठीक है, कब की गई थी? 1206 ईस्वी में। और कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का गुलाम था। वह दिल्ली सल्तनत का पहला तुर्क शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अढ़ाई दिन का झोपड़ा मस्जिद कहाँ स्थित है? तो अढ़ाई दिन का झोपड़ा मस्जिद यह स्थित है अजमेर, राजस्थान में। इस मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, जो कि दिल्ली में स्थित है, इस मस्जिद का निर्माण भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही करवाया था। अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार, जो दुनिया की सबसे ऊंची ईंटों की मीनार है, इसका निर्माण 1193 में दिल्ली सल्तनत के किस संस्थापक के आदेशों के तहत किया गया था? तो देखिए, कुतुब मीनार, इसका निर्माण कार्य आरंभ करवाया था गुलाम वंश का संस्थापक, या कह सकते हैं दिल्ली सल्तनत का संस्थापक, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और देखिए, यहाँ से इस तरीके से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कुतुब मीनार का निर्माण कार्य तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था, लेकिन इसका निर्माण कार्य किसने पूरा करवाया था, यह क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका निर्माण कार्य पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने। ठीक है, कुतुब मीनार कहाँ पे है? दिल्ली में है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 73 मीटर है, 73 मीटर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 13वीं सदी में बख्तियार खिलजी ने बंगाल के किस राजा को पराजित किया था? तो 1203 से 1204 ईस्वी में बख्तियार खिलजी ने बंगाल के शासक लक्ष्मण सेन की राजधानी नदिया पर आक्रमण किया और उसे पराजित किया था। यानी इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, लक्ष्मण सेन को। ये जो बख्तियार खिलजी है, इसी ने विश्व प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय, इन दोनों को नष्ट किया था। क्वेश्चन नंबर 205, मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से अपनी राजधानी किस स्थान पर बदली? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से ट्रांसफ़र कर दौलताबाद या देवगिरी ले आई थी। ठीक है, दौलताबाद या देवगिरी एक ही नाम है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा तथा दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बौद्ध मठ तवांग मठ कहाँ स्थित है? तो यह जो तवांग मठ है, यह स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। यह भारत का सबसे बड़ा तथा विश्व का दूसरा सबसे बड़ा बौद्ध मठ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहाँ यह मानते हैं कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, उस स्मारक का नाम बताएं जिसे सीट ऑफ द होली बुद्ध भी कहा जाता है। तो वह स्मारक का नाम है धमेक स्तूप, जो कि सारनाथ में स्थित है। एक प्रसिद्ध यह जो है धमेक स्तूप एक प्रसिद्ध बौद्ध धार्मिक स्थल है। ऐसा माना जाता है कि धमेक स्तूप ही वह स्थान है जहाँ भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों को प्रथम उपदेश दिया था। धमेक स्तूप को ही सीट ऑफ द होली बुद्ध भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पंच सिद्धांतिका बृहद संहिता एवं बृहज जातक के लेखक कौन है? तो पंच सिद्धांतिका, बृहद संहिता, बृहद जातक, इनके लेखक, ये सभी पुस्तक के लेखक जो हैं वह हैं वराहमिहिर। ठीक है, अगला प्रश्न है, राजत रंगनी द्वारा किन राज्यों के राजाओं का वर्णन किया गया है? तो राजत रंगनी यह प्रसिद्ध पुस्तक है कल्हन का। ठीक है, कल्हन के द्वारा लिखा गया है यह बुक, यह ग्रंथ राजत रंगनी। इन्होंने इस पुस्तक में कश्मीर का इतिहास लिखा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, राजत रंगनी द्वारा कश्मीर राज्यों के राजाओं का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, चित्तौड़गढ़ किस वंश की राजधानी थी? तो चित्तौड़गढ़ सिसोदिया वंश की राजधानी थी। ठीक है, इनका मेवाड़ पर शासन था। इस वंश के कुछ प्रसिद्ध शासक थे जैसे राणा कुंभा, राणा संग्राम तथा महाराणा प्रताप, ये सभी इसी वंश के प्रतापी तथा प्रसिद्ध राजा थे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? तो देखिए, भारतीय संविधान के भाग 3 में
भाग थ्री में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक, ठीक है, मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। वर्तमान में कुल कितने मौलिक अधिकार हैं? 6 मौलिक अधिकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुसार किस अनुच्छेद के तहत जीवन की सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्रदान की गई है? तो संविधान के अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को जीवन की सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्रदान की गई है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29 निम्नलिखित में से कौन से अधिकार प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 29 जो है, यह अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की सुरक्षा का अधिकार प्रदान करता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 60 में, 60 के तहत, 60 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति को उसके पद की शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलाई जाती है। यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, भारत के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। और अगर भारत के मुख्य न्यायाधीश अगर अनुपस्थित रहे तो वैसी स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश के द्वारा शपथ दिलाई जाती है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति चुनाव में विवाद की स्थिति उत्पन्न होने पर फैसला करने का अधिकार किसके पास होता है? तो संविधान के अनुच्छेद 71 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति चुनाव में विवाद की स्थिति उत्पन्न होने पर उस पर फैसला करने का अधिकार उच्चतम न्यायालय, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट, यानी सुप्रीम कोर्ट के पास होती है। अगला प्रश्न है, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, यानी एस राधाकृष्णन, ठीक है। ये लगातार 2 बार 1952 से लेकर 1962 ईस्वी तक उपराष्ट्रपति के पद पर रहे थे। उसके बाद 1962 से 1967 तक ये भारत के दूसरे राष्ट्रपति के पद पर रहे। अगला प्रश्न है, भारत की संसद में लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर, ठीक है, गणेश वासुदेव मावलंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा की सदस्यता की अवधि क्या है? तो पहली बात कि राज्यसभा का विघटन नहीं होता है, यानी यह एक अस्थायी सदन है। इसके 1/3, 1/3 जो मेंबर्स होते हैं, सदस्य होते हैं, ये प्रत्येक 2 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त यानी रिटायर हो जाते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल है वह कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है। जबकि लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा को किस नाम से भी जाना जाता है? तो राज्यसभा को उच्च सदन के नाम से भी जाना जाता है। निम्न सदन किसे बोला जाता है? तो लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत में पहले आम चुनाव कब आयोजित किए गए थे? तो लोकसभा का प्रथम चुनाव 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 तक चला था। यानी स्वतंत्र भारत में पहले आम चुनाव 1951 से 1952 में आयोजित किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा ब्रह्मांड कितना पुराना है? तो हमारा जो ब्रह्मांड है वह लगभग 13.7 बिलियन वर्ष पुराना है। अगला प्रश्न है, किस ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है? तो किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? यह बोला जाता है मंगल को, मार्स को, ठीक है। इसका रंग लाल इसलिए है क्योंकि इसके सतह पर बहुत ही अधिक मात्रा में आयरन ऑक्साइड है, जिसके कारण यह लाल दिखाई देता है। क्या है? आयरन ऑक्साइड, इसी के कारण यह लाल रंग का दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, इसमें देखिए कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट, शुक्र जो है, देखिए शुक्र शुक्र को सुबह का तारा या शाम का तारा कहा जाता है, और सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो वह है शुक्र। और पृथ्वी को क्या बोला जाता है? तो पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। अगला प्रश्न है, तारे मुख्यतः किससे बने होते हैं? तो तारे जो हैं ये मुख्यतः हाइड्रोजन और हीलियम के बने होते हैं। यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। सूर्य भी क्या है? एक तारा है जिसमें हाइड्रोजन 71% और इसमें हीलियम 26.5% होता है। किसमें? सूर्य में। तो तारे जो हैं ये बेसिकली हाइड्रोजन और हीलियम के बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सप्तऋषि नाम है एक, तो देखिए सप्तऋषि नाम है एक किसका नाम है? यह तो यह सप्तऋषि जो है नाम है एक तारामंडल का। यानी इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, तारामंडल का।
सप्तऋषि एक तारामंडल है, इस तारामंडल में 7 चमकदार तारे शामिल हैं। अगला प्रश्न हैली धूमकेतु लगभग कितने वर्षों में एक बार दिखाई देता है? तो हैली नामक धूमकेतु लगभग 76 वर्षों में एक बार दिखाई देता है। लास्ट टाइम यह 1986 ईस्वी में दिखाई दिया था, 1986 में, ठीक है। और अगली बार यह 76 वर्ष बाद, 76 वर्ष बाद दिखाई देगा, कब? 1962 में, सॉरी 2062 में, 2062 में दिखाई देगा अगली बार। पिछली बार है सो 1986 में दिखाई दिया था, और 76 वर्ष बाद अब दिखाई देगा 2062 में। अगला प्रश्न है, विक्टोरिया जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो विक्टोरिया जलप्रपात जो है यह स्थित है अफ्रीका में, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। विक्टोरिया जलप्रपात दक्षिण मध्य अफ्रीका में जाम्बिया और जिम्बाब्वे देश की सीमा पर जेम्बेजी नदी पर स्थित है। कौन सी नदी पर स्थित है विक्टोरिया जलप्रपात? जेम्बेजी नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत किलिमंजारो किस देश में स्थित है? तो किलिमंजारो जो है यह अफ्रीका महादेश का सबसे ऊंचा पर्वत है, और यह स्थित है तंजानिया में, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। किलिमंजारो जो है एक ज्वालामुखी पर्वत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडमान द्वीप समूह को लगभग 150 किलोमीटर चौड़ा निकोबार द्वीप समूह से पृथक करता है। तो मतलब कौन सा चैनल है जो अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है? तो वह है 10 डिग्री चैनल, ठीक है, जो कि अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से पृथक करता है। इस चैनल की चौड़ाई लगभग कितनी है? 150 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, थार का रेगिस्तान किस राज्य में स्थित है? तो थार का रेगिस्तान भारत के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में राजस्थान राज्य में स्थित है, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। इसका कुछ भाग जो है वह पाकिस्तान में भी पड़ता है। यह भारत का सबसे बड़ा डेजर्ट यानी रेगिस्तान है। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो वह है थार का रेगिस्तान। अगला प्रश्न है, क्योटो जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? तो क्योटो जलवायु परिवर्तन सम्मेलन जापान के क्योटो शहर में दिसंबर 1997 में आयोजित किया गया था। इसी से रिलेटेड एनटीपीसी 2016 में ही एक क्वेश्चन यह भी पूछा गया था कि क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष में प्रभावी हुआ था? तो यह प्रभावी हुआ था वर्ष 2005 में। तो आप इसे भी याद रखिएगा क्योंकि यह भी क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, वर्ष 2005 में प्रभावी हुआ था क्योटो प्रोटोकॉल, और आयोजित कब हुआ था इसका सम्मेलन? दिसंबर 1997 में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कंप्यूटर का मस्तिष्क कौन सा है? तो कंप्यूटर का मस्तिष्क बोला जाता है सीपीयू को, ठीक है। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के माउस का आविष्कार किसने किया था? तो कंप्यूटर के माउस का आविष्कार डगलस एंगल बर्ट ने किया था, डगलस एंगल बर्ट ने। और ये जो माउस है एक प्रकार का ये इनपुट डिवाइस है। और कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? चार्ल्स बेबेज ने किया था, इसलिए इन्हें चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर यानी कि कंप्यूटर का जनक भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासा का मुख्यालय कहाँ है? तो नासा जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका का एक स्पेस एजेंसी है, इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। नासा का फुल फॉर्म क्या होता है? यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। तो देखिए, इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस सेंटर। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1958 में, ठीक है। नासा की स्थापना 1958 में की गई थी। भारत सरकार की स्पेस एजेंसी का क्या नाम है? इसरो, ठीक है। भारत की स्पेस एजेंसी है इसरो, जिसका मुख्यालय कहाँ पे है? बेंगलुरु में है। अगला प्रश्न है, इंग्लिश चैनल को तैर कर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो वह है आरती साहा, ठीक है। इंग्लिश चैनल को तैर कर पार करने वाली पहली भारतीय महिला है आरती साहा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध यात्री जहाज टाइटेनिक किस देश का था? तो देखिए, टाइटेनिक जो कि दुनिया का सबसे बड़ा वाष्प आधारित जहाज था, यह ग्रेट ब्रिटेन का जहाज था, ग्रेट ब्रिटेन का, ठीक है। यह 1912 ईस्वी में अपनी प्रथम यात्रा के दौरान अटलांटिक महासागर में एक बहुत बड़ा बर्फ के चट्टान से टकराकर डूब गया था। इस दुर्घटना में जहाज पर सवार लगभग 1500 यात्रियों की डूबकर मौत हो गई थी। इस घटना पर आधारित 1997 में एक मूवी भी आई जिसका नाम था टाइटेनिक। क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि फिल्म टाइटेनिक में मुख्य अभिनेत्री का किरदार किसने निभाया था? तो वह अभिनेत्री थी किट विंसलेट, ठीक है। और इस फिल्म में मुख्य अभिनेता का किरदार निभाया था लियोनार्डो डी कैप्रियो। तो आप इन दोनों नाम को याद जरूर रखिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है,
पिस्तौल का आविष्कार किसने किया था? तो पिस्तौल यानी कि रिवाल्वर का आविष्कार किया था सैमुअल कोल्ट ने। अगला प्रश्न है, जिस बाजार में स्पर्धा की कमी हो तो उसे क्या कहते हैं? तो देखिए, जिस बाजार में स्पर्धा की कमी हो तो उसे मोनोपोली यानी कि एकाधिकार कहते हैं। ऐसे बाजार में वस्तु का कोई अकेला उत्पादक या विक्रेता होता है, जिसके कारण उसके द्वारा बेची जाने वाली वस्तु का कोई कंपटीशन नहीं होता है। अगला प्रश्न है, किसी भी उत्पाद के पैकेज पर अंकित एमआरपी का अर्थ क्या होता है? तो देखिए, एमआरपी का अर्थ होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस, ठीक है, यानी कि हिंदी में अधिकतम खुदरा मूल्य। एमआरपी वह अधिकतम मूल्य है जिसमें उत्पादक की उत्पादन लागत के साथ साथ खुदरा व्यापारी तक वस्तु को पहुंचाते हुए कुल मूल्य वृद्धि जैसे टैक्स, चुंगी, भाड़ा आदि भी ऐड होता है। कोई भी विक्रेता इस एमआरपी पर अंकित मूल्य से अधिक मूल्य पर वस्तुओं को नहीं बेच सकता है। अगला प्रश्न है, यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? तो यूरिया का निर्माण होता है यकृत में, लीवर में, ठीक है। यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? यह भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप इसे भी याद रखिएगा। देखिए, यूरिया का रासायनिक सूत्र जो होता है वह होता है Na2CONH2, ठीक है। अगला प्रश्न है, पेनिसिलिन की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? यानी कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो पेनिसिलिन जो कि एक एंटीबायोटिक दवा है, जिसकी खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, ठीक है। पेनिसिलिन किससे प्राप्त किया जाता है? तो यह प्राप्त किया जाता है फंगस से यानी कवक से। ओके, अगला प्रश्न है, ऑनिरोलॉजी किसका अध्ययन है? तो यह जो ऑनिरोलॉजी है यह अध्ययन है सपने का, ठीक है। अगला प्रश्न है, मछली के हृदय में कितने कच्छ होते हैं? तो मछली के हृदय में दो कच्छ होते हैं, और अगर बात करें कि मनुष्य के हृदय में कितने कच्छ होते हैं, तो मनुष्य के हृदय में टोटल चार कच्छ होते हैं। अगला प्रश्न है, मगरमच्छ के बच्चे को क्या कहा जाता है? तो मगरमच्छ के बच्चे को बोला जाता है हैचलिंग, ठीक है, हैचलिंग कहा जाता है। कोडलिंग बोला जाता है, एक प्रकार का मछली है कॉड मछली, तो उसके बच्चे को कॉडलिंग कहा जाता है। और गोस्टलिंग या हंस के बच्चे को, तथा फिंगरलिंग जो है यह मछली के बच्चे को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भोजन से प्राप्त ऊर्जा को कैसे मापा जाता है? तो भोजन से प्राप्त ऊर्जा को कैलोरीज में मापा जाता है, जबकि ताप यानी कि टेम्परेचर को केल्विन में मापा जाता है, और विद्युत धारा को एम्पियर्स में मापा जाता है। अगला प्रश्न है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का प्रयोग पेट की अम्लीयता को दूर करने में किया जाता है, जैसे पेट की खराबी, कब्ज, खट्टी डकार इत्यादि को दूर करने में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग किया जाता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का रासायनिक नाम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, तथा इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? MgMgOH2, ठीक है। तो आप इसे भी याद रखिएगा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का रासायनिक सूत्र, और इसका रासायनिक नाम होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इसका प्रयोग पेट की अम्लता को दूर करने में किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी हास्य गैस के रूप में लोकप्रिय है? तो हास्य गैस यानी लाफिंग गैस के रूप में लोकप्रिय है वह है नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। इसका रासायनिक सूत्र होता है N2O, N2O। और नाइट्रस ऑक्साइड की खोज जोसेफ प्रिस्टले ने की थी। इस गैस का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है? तो ऑपरेशन और दंत चिकित्सा में एनेस्थेटिक के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजली के एक सेल में कितने टर्मिनल होते हैं? तो बिजली के एक सेल में टोटल दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव टर्मिनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिंडल प्रभाव किससे संबंधित है? तो देखिए, टिंडल प्रभाव प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित है, ठीक है। अगला प्रश्न है, सामान्य आँख के लिए अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी है? तो इसका सही जवाब है 25 सेंटीमीटर। सामान्य आँख के लिए अस्पष्ट न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए, यानी 25 सेंटीमीटर है। अगला प्रश्न है, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, ध्वनि तरंगे किसमें यात्रा नहीं कर सकती? तो देखिए, ध्वनि तरंग को संचरण यानी कि एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए क्या चीज़ की आवश्यकता पड़ती है, एक माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। जैसे हवा, हवा हो गया, पानी हो गया, स्टील, ये सभी एक माध्यम है। तो इससे तो ध्वनि संचरण कर सकती है इन सभी में, लेकिन खाली स्थान में ध्वनि संचरण नहीं कर सकती। यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, खाली स्थान बोले तो निर्वात, वैक्यूम, वैक्यूम से
होकर ध्वनि नहीं गुजर सकती है। ठीक है, अंत में आपके लिए क्वेश्चन है, और क्वेश्चन ये है कि किस भारतीय शहर को गुलाबी शहर भी कहा जाता है। इसका सही जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो इसे लाइक तथा शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।